इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है डेमिन नाम के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन को दिखाते हुए। डेमिन अपने कार के अंदर मौजूद होता है, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान लग रहा था। डेमिन के हाथ में एक कार्ड था जिस पर लिखा होता है दे कैन हेल्प यू, और वहाँ पर एक नंबर भी मौजूद था। इसीलिए डेमिन सीधा दिए गए एड्रेस की तरफ चले जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद डेमिन को एक प्रोफेसर मिलता है जो डेमिन को कह रहा था कि हमें पता है कि आपको हमारी जरूरत है। दरअसल प्रोफेसर और उसकी कंपनी को पहले से ही पता था कि डेमिन को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और वो जल्द से जल्द मरने वाला है। डेमिन को भी कहीं न कहीं इन सारी बातों का सॉल्यूशन चाहिए था, इसीलिए वो प्रोफेसर के पास आया होता है। प्रोफेसर ने जवाब दिया कि हमारी एक टेक्निक होती है श्रेडिंग, जिसमें कि हम एक आदमी की आत्मा और उसकी पूरी कॉन्शियसनेस को दूसरे आदमी के बॉडी में ट्रांसफर कर देते थे, और अगर डेमिन चाहेगा तो उसकी सारी कॉन्शियसनेस और आत्मा दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका था, बहुत सारी कंपनियां इसी तरीके की टेक्निक बनाती थीं जो कुछ सालों पहले इमेजिनेशन होती हैं। प्रोफेसर तो डेमिन को एक आदमी की बॉडी दिखाते हैं जिसके अंदर उसकी आत्मा ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन डेमिन ने जब उस आदमी को गौर से देखा तब वो जिंदा था। डेमिन इस बात से थोड़ा चौंक जाता है कि किसी दूसरे इंसान को मारकर मेरी आत्मा उसमें ट्रांसफर करना गलत है कि नहीं। तभी प्रोफेसर ने रिप्लाई दिया कि इस आदमी का कोई भी वजूद नहीं है, अगर ये चला भी जाएगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोफेसर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद कर रही थी जो देश को डेवलप करने में बड़ा योगदान दे रहे होते हैं। डेमिन उन्हीं में से एक था, इसीलिए डेमिन को चांस दिया जा रहा था। अब डेमिन यहाँ पर सोचने के लिए कुछ समय मांग लेता है। घर आने के बाद डेमिन अपनी बेटी से मिलने के लिए चला गया था, लेकिन शुरुआत से ही डेमिन की बेटी अपने फादर से नफरत करती थी, क्योंकि डेमिन काम के सिलसिले में इतना ज्यादा बिजी रहता कि वो अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाता। इन सारी बातों से डेमिन का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला गया था। बट अब अगले दिन ही डेमिन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी। उसे लगने लगा होता है कि यही उसका आखिरी पल आ चुका है, इसीलिए डेमिन ने तुरंत ही प्रोफेसर को कॉल करके उसके शेडिंग वाली टेक्निक को अपनाने के लिए कह दिया, जिसमें कि डेमिन की आत्मा उस आदमी के बॉडी में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सर्जरी से पहले डेमिन एक शमशान घाट में चला जाता है एक छोटा सा बॉक्स लेकर। डेमिन के पास एक बॉक्स था जो वो जमीन में जाकर गाड़ देता है। अब यहाँ जल्द से जल्द डेमिन के सर्जरी की तैयारी चालू कर दी गई थी। एक साइड पर डेमिन को रखा गया था जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, और वहीं साइड में दूसरे आदमी को रखा गया था जिसके बॉडी में उसकी आत्मा ट्रांसफर की जाएगी। सारे प्रोसीजर फॉलो करने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर डेमिन अपनी आंखें खोलता है, लेकिन अपनी बॉडी में नहीं बल्कि उस दूसरे आदमी के बॉडी में। डेमिन पूरा शॉक हो गया था कि ऐसी चीजें सच में वर्क करती हैं। हालांकि शुरुआत में उसे नए बॉडी के अंदर एडजस्ट करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन तब से ही डेमिन की अच्छी खासी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। शुरुआत में डेमिन को अपने दिमाग के अंदर अजीब अजीब तरीके के ख्याल आ रहे थे। इन्हीं सारी थिंकिंग को ठीक करने के लिए प्रोफेसर ने डेमिन को कुछ टैबलेट्स दिए थे जो उसे लगातार खाने हैं। डेमिन की अच्छी खासी ट्रेनिंग भी चालू हो गई थी जिससे कि वो अपने नए बॉडी पर कंट्रोल कर सके। एक महीने के अंदर अंदर वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ प्रोफेसर ने डेमिन को एक हफ्ते के लिए टैबलेट्स दिए और कहा कि तुम्हें हर दिन एक एक गोलियां खानी है, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में अजीब अजीब तरीके के ख्याल आने लगेंगे। प्रोफेसर ने भरोसा दिलाया कि हर हफ्ते तुम्हें इसी तरीके के टैबलेट्स मिल जाएंगे। इसीलिए डेमिन अब बिना फिक्र के अपनी लाइफ में वापस चला जाता है। डेमिन जिस आदमी के बॉडी के अंदर था उसका नाम डेनियल होता है। डेमिन की तो पूरी तरीके से लाइफ खत्म हो चुकी थी, इसीलिए अब डेनियल की बॉडी मिलने पर वो उसी की लाइफ जीने के लिए आ चुका था। धीरे धीरे डेमिन की अपने नेबर से दोस्ती हो जाती है, साथ ही साथ उसने अपनी एक गर्लफ्रेंड भी बना ली थी। डेमिन तो वो सारी चीजें करने लगा था जो वो अपनी जवानी में नहीं कर पाया, जैसे कि उसे एक नई लाइफ मिल चुकी हो। इसी तरीके से एक हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन अचानक डेमिन वो टैबलेट खाना भूल गया, जिसके बाद उसके सर में अचानक दर्द होने लगता है। उसे तो अजीब अजीब तरीके के विजन आ रहे थे जिसमें कि एक लेडी और उसकी बेटी दिखाई देती है। वो दोनों तो एक फार्म हाउस में मौजूद थे जिनके ठीक पीछे एक बड़ा सा वाटर टैंक होता है। अगले विजन में डेमिन ने उस लेडी और लड़की को देखा कि वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं और पता नहीं क्यों थोड़े उदास लग रहे हैं। ये सारी चीजें डेमिन के दिमाग में इस तरीके से घूम रही थी कि उसका पूरा सर फटने लगा। डेमिन पूरी तरीके से परेशान हो जाता है कि वो क्या करे। अब थोड़ा नॉर्मल होने के बाद डेमिन ने प्रोफेसर को सारी की सारी बातें बताई। प्रोफेसर ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि तुम्हें अपनी टैबलेट्स
लेनी बंद नहीं करनी चाहिए, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। प्रोफेसर एडवर्ड को सलाह देते हुए बता रहे थे कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए हवाई की टिकट्स बुक कर रहा हूं, तो तुम एंजॉय करके आओ। डेमिन को भी लग रहा था कि शायद से यही प्रॉब्लम है, लेकिन डेमिन को ये पता ही करना था कि वो जो विजन्स उसके दिमाग में आ रहे हैं वो हैं क्या। इसीलिए अब प्रोफेसर के जाने के बाद वो लैपटॉप के अंदर वही वाटर टैंक और फार्म हाउस के बारे में सर्च करने लग जाता है। इसीलिए अब डेमिन ने डिसाइड किया कि वो हवाई न जाकर इसी जगह पर जाएगा अपने विजन्स का पता लगाने के लिए। उससे पहले डेमिन कब्रिस्तान में आ जाता है अपने छुपाए गए उस बॉक्स को निकालने के लिए। तब जाकर हमें पता चला कि बॉक्स के अंदर काफी सारे पैसे और डेबिट कार्ड्स रखे हुए हैं, जिनके अंदर डेमिन ने ही अपने सारे पैसे ट्रांसफर किए थे। क्योंकि सर्जरी होने से पहले डेमिन को ये भली भांति पता था कि उसका चेहरा और बॉडी जब बदल जाएगी तब वो अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकता। इसीलिए डेमिन ने अपने आधे से ज्यादा पैसा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर दिया और उसे यहाँ पर छुपा दिया, जिसे कि अब वो बेझिझक यूज कर सकता था। डेमिन तो अब उन सारे पैसों को लेकर निकल पड़ता है फार्म हाउस की तरफ, जो कि उसे विजन्स में आ रहे थे। वहां पहुंचने के बाद डेमिन ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाजा खुला होने के कारण वो अंदर जाकर चेक करने लगा था। तभी डेमिन की नजर अचानक एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें कि वही लेडी और लड़की मौजूद थी जो डेमिन की विजन्स में आ रही होती है, बट उन दोनों के साथ इस नए वाले डेनियल की बॉडी की फोटो भी मौजूद थी। यानी कि डेमिन जो इस नई बॉडी के अंदर आया है वो कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड है। अचानक वो लेडी पीछे से गन लेकर आ जाती है, जिसने कि डेमिन के ऊपर पॉइंट कर दिया था। लेकिन जैसे ही उस लेडी ने डेमिन का चेहरा देखा तब वो बहुत ही ज्यादा रोने लगी, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि उस लेडी का हस्बैंड होता है। वो लेडी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि आखिरकार उसका हस्बैंड वापस आ गया, और ये बात तो डेमिन को भी अब तक पता चल चुकी होती है। यानी कि प्रोफेसर ने उससे झूठ कहा था कि इस आदमी का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, और ये एक तरीके से नाइंसाफी है कि ऐसे इंसान की जान लेकर उसे दे देना जिसकी उम्र खत्म होने वाली है। अब कुछ ही देर के अंदर अंदर प्रोफेसर और उसके कुछ लोग ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। डेमिन अब उनके साथ बैठकर इन सारी चीजों के ऊपर बात करने लगा था। प्रोफेसर का आदमी रियलिटी बताता है कि इस लेडी का हस्बैंड, जिसका नाम डेनियल था, उसने खुद ही हमारे कंपनी को अपनी बॉडी बेची थी कुछ पैसों के लिए। लेकिन डेमिन इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि पैसों के लिए तुम इस तरीके से किसी की जान नहीं ले सकते, और अब तुम लोगों ने मुझे भी इन सारी चीजों में शामिल कर लिया है। डेमिन एक तरफ बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इसीलिए अब डेमिन ने प्रोफेसर और उसकी आदमियों पर लगातार हमला कर दिया। डेमिन तो उन्हें धाराशाही करके उस लेडी को लेकर चला जाता है। हालांकि अभी तक उस लेडी को पता नहीं है कि ये उसका हस्बैंड नहीं, बल्कि उसके अंदर किसी और की आत्मा और कॉन्शियसनेस मौजूद है। फिलहाल के लिए डेमिन उस लेडी को और ज्यादा परेशान ना करते हुए उसे कुछ बताता नहीं और गाड़ी में बिठाकर उसकी बेटी को स्कूल से पिकअप करने चला जाता है। उस लेडी का नाम लिंडा था, जो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब वो खुश होती है कि उसका हस्बैंड वापस लौट कर तो आ गया। लिंडा अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आती है, पर जब उसकी बेटी ने डेमिन को देखा तब वो तुरंत ही उससे भागते हुए गले लग गई थी, क्योंकि डेमिन जिसके बॉडी में मौजूद होता है वो कई सालों से अपने घर पर लौटा नहीं था। डेमिन को भी कहीं न कहीं इस फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है। इसीलिए अब डेमिन दोनों को ही लेकर एक होटल में चला गया था रात गुजारने के लिए। अब डेमिन अपने लैपटॉप के अंदर शेडिंग टेक्निक के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है, जिसमें कि उसे पता चला कि डॉक्टर फ्रांसिस नाम के एक वैज्ञानिक ने इस टेक्निक का इजाद किया था, बट उनकी कई सालों पहले डेथ हो चुकी है। डेमिन जब डॉक्टर फ्रांसिस का एक इंटरव्यू दिख रहा होता है तब उसने नोटिस किया कि फ्रांसिस को अपने चश्मे के ऊपर 2 बार टैप करने की आदत है, और ऐसा ही सेम आदत प्रोफेसर को भी है। यानी कि ऐसा जरूर हो सकता है कि डॉक्टर फ्रांसिस ने मरने से पहले अपनी आत्मा को प्रोफेसर की बॉडी में ट्रांसफर कर लिया होगा। यानी कि प्रोफेसर की बॉडी के अंदर और किसी की नहीं बल्कि डॉक्टर फ्रांसिस की आत्मा मौजूद है, और वो अभी भी जिंदा थे। डेमिन जल्द से जल्द प्रोफेसर के घर का लोकेशन निकालता है और डायरेक्टली उनसे मिलने वहां चले जाता है। प्रोफेसर के आते ही डेमिन ने तो उसके ऊपर गन पॉइंट करके कहा कि मुझे इस शेडिंग टेक्निक के बारे में सारी की सारी चीजें जाननी है। डेमिन की तो वो सारी टेबलेट्स भी खत्म हो चुकी थी, जिसे खाने के बाद उसके दिमाग को शांति मिलती है, इसलिए डेमिन को उन टेबलेट्स के और भी ज्यादा स्टॉक्स की जरूरत थी। डेमिन ने तो अब प्रोफेसर को गन पॉइंट पर ले लिया था और उससे सारी चीजें पूछने लगा, लेकिन वहां प्रोफेसर के और भी ज्यादा आदमी आने के कारण उन लोगों ने
डेमिन को पकड़ लिया था और अब नियत्ता होने के बाद प्रोफेसर के लोगों ने डेमिन को मार मार कर वहाँ से भगा दिया। अब डेमिन यहाँ डायरेक्टली लिंडा के पास आ चुका था। डेमिन के मन में भी बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि उसने किसी इंसान को मारकर उसकी बॉडी का यूज किया अपने आप को जिंदा रखने के लिए। भले ही डेमिन ने ये सारी चीजें जाने अनजाने में की, लेकिन इसका बुरा हर्जाना तो लिंडा और उसकी बेटी को झेलना पड़ रहा है। इसीलिए अब डेमिन ने लिंडा को सारी बातें सच सच बता दी होती है। डेमिन ने लिंडा को समझाया कि तुम्हारे हस्बैंड की कई दिनों पहले मौत हो चुकी थी। हालांकि ये बॉडी तुम्हारे हस्बैंड की ही है, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस और जो आत्माएं हैं वो मेरी है। लिंडा ये बातें सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। लिंडा को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। बट डेमिन ने भले ही लिंडा को उसके हस्बैंड से दूर कर दिया, लेकिन उसने डिसीजन लिया होता है कि वो लिंडा और उसकी बेटी की अच्छे से प्रोटेक्शन करेगा। इसीलिए अब डेमिन दोनों को लेकर अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त के पास चला आता है। शुरुआत में तो डेमिन के दोस्त ने तो उसका बदला हुआ चेहरा देखकर पहचान ही नहीं पा रहा था, लेकिन बाद में जब डेमिन ने अपने दोस्त को वो सारी बातें बताई जो सिर्फ उन दोनों को ही पता होती हैं, तब जाकर उसके दोस्त ने भरोसा किया कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरा डेमिन है। उसके दोस्त को विश्वास नहीं हो रहा होता कि डेमिन ने भी ये टेक्निक का यूज किया है। अब डेमिन ने थोड़े दिनों तक वहीं पर रुकने का डिसीजन लिया, लेकिन जब डेमिन लिंडा की बेटी को देखने गया तब वो नोटिस करता है कि उसके फ्रेंड का बेटा अभी भी जिंदा है। डेमिन लिंडा को बता रहा था कि मेरे दोस्त की बेटी की मौत कई साल पहले हो चुकी थी, लेकिन शायद से मेरे दोस्त ने भी शेडिंग टेक्निक का यूज करके अपने मरे हुए बेटे की आत्मा दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर दी। यानी कि उसके दोस्त को भी प्रोफेसर ने फंसाया है इन सारी चीजों के अंदर। डेमिन तुरंत ही अपने दोस्त के पास आकर पूछता है कि आखिर प्रोफेसर और उसके लोग यहाँ पर कितने समय में आ जाएंगे। और तो और डेमिन अपने दोस्त को ये भी बताता है कि तुमने अपने बेटे की आत्मा जिस बॉडी से स्विच की है उसे प्रोफेसर के लोगों ने किसी परिवार से छीन कर मारा था। ये बात सुनने पर तो डेमिन के दोस्त की भी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उन लोगों को प्रोफेसर ने ये सारी बातें बिल्कुल बताई नहीं होती। और अब जल्द से जल्द डेमिन लिंडा और उसकी बेटी को लेकर यहाँ से निकलने लगा था, लेकिन बहुत ज्यादा देर होने के कारण प्रोफेसर और उसके लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और डेमिन की कार के चारों तरफ फायरिंग करने लग जाते हैं। प्रोफेसर के सभी लोग लगातार डेमिन का पीछा करने लगे थे। डेमिन अकेले ही कार में बैठकर बड़ी चालाकी से उन सभी का एक्सीडेंट करवा देता है। वहीं डेमिन का दोस्त लिंडा और उसकी बेटी को जंगल की दूसरी तरफ बचाकर लेकर जा रहा था, जिससे कि वो दोनों पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। डेमिन का दोस्त लिंडा और उसकी बेटी को लेकर जा ही रहा था, तभी उनके सामने एक कार आ जाती है। उन्हें लग रहा था कि ये कार डेमिन की है जो उन्हें बचाने के लिए आया है, इसीलिए वो तीनों कार के पास चले गए थे। बट अंदर तो प्रोफेसर और उसके सभी आदमी बैठे होते हैं, जिन्होंने अब लिंडा और उसकी बेटी को किडनैप कर लिया था। डेमिन का दोस्त चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पाता। अब वो सीधा भागा भागा डेमिन के पास आ जाता है, जिसने कि प्रोफेसर के कई सारे लोगों को मार गिराया था। डेमिन के दोस्त ने उसे बताया कि प्रोफेसर के लोगों ने लिंडा और उसकी बेटी को किडनैप करके अपने साथ लेकर चले गए हैं। डेमिन के दोस्त को उस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो उन्हें बचाने के लिए क्या करे। बट अब यहाँ डेमिन को किसी भी हालत में लिंडा और उसकी बेटी को बचाना होगा, क्योंकि वो प्रोफेसर बहुत ही बुरा आदमी था और न जाने वो उनके साथ क्या करेगा। डेमिन को यहाँ पर पता नहीं होता कि आखिर उस प्रोफेसर का अड्डा कहाँ पर है, लेकिन जब उसने अपने दिमाग पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया तब उसे अपने बहुत सारे विजन्स में थोड़े थोड़े पार्ट दिखाई देते हैं जब उसे प्रोफेसर के अड्डे पर लाया गया था। उन्हीं सारी यादों को एक साथ कंबाइन करके डेमिन को उनके लोकेशन का पता चल गया होता है। इसीलिए वो तुरंत ही प्रोफेसर द्वारा बनाई गई एक सीक्रेट लेबोरेटरी के अंदर जाने लगा। अंदर पहुंचते ही डेमिन सबसे पहले लिंडा और उसकी बेटी को ढूंढ रहा था, बट अब वो अपने सामने एक बेहोश पड़े हुए आदमी को देखता है, जिससे कि उसे अंदाजा हो गया था कि शायद प्रोफेसर इस बॉडी का यूज करके अपनी वो शेडिंग टेक्निक किसी के ऊपर अप्लाई करने वाला है। अगले ही मोमेंट में अचानक प्रोफेसर डेमिन के सामने आ गया था। डेमिन गन लेकर लगातार प्रोफेसर के ऊपर फायरिंग करता रहता है, लेकिन प्रोफेसर के सामने एक बुलेट प्रूफ ग्लास थी जिससे कि उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। और अब प्रोफेसर के लोग आकर डेमिन को पूरी तरीके से पकड़ लेते हैं। डेमिन उनसे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, बट वो सब डेमिन को अब पकड़ लेते हैं। यहाँ जाते जाते डेमिन ने अपने मुंह के अंदर बंदूक की एक गोली रख ली थी, क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान था जो हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। प्रोफेसर समझ चुके थे कि जब तक डेमिन जिंदा रहेगा तब तक उसके दिमाग में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो भी चल रहा है वो मौजूद होगा। इसीलिए प्रोफेसर ने डिसीजन लिया कि वो डेमिन की बॉडी में अब एक दूसरी आत्मा को ट्रांसफर कर देगा। उस दूसरे आदमी की बॉडी वो आत्मा थी जो अब डेमिन की बॉडी में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
जाएगी, जिससे कि डेमिन की याददाश्त चली जाने के कारण उसे कुछ याद नहीं रहेगा। शेडिंग टेक्निक का सारा प्रोसीजर चालू कर दिया जाता है। कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर वो प्रोसेस खत्म होने के बाद प्रोफेसर डेमिन की बॉडी के पास आकर पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है कि मेरा नाम माइकल है और ये साइड में रखे हुए दूसरे आदमी की आत्मा थी जो अब उसके बॉडी में मौजूद होती है। यानी कि डेमिन अपनी सारी यादें भूल चुका है और अब उसके बॉडी में माइकल की आत्मा है। तो अगर गलती से उनके कंपनी के इस इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता तब उसकी कंपनी बंद हो जाती। प्रोफेसर अब पूरी तरीके से निश्चिंत होकर वहां से चला जाता है। बट थोड़े ही देर बाद डेमिन ने गन निकाली और माइकल के लोगों पर फायर करने लगा, जिससे कि हमें पता चलता है कि डेमिन की याददाश्त अभी तक गई नहीं है, वो अभी भी अपने बॉडी के अंदर मौजूद था। दरअसल बात ये थी कि मशीन के अंदर डालने से पहले डेमिन ने अपने मुंह के अंदर बंदूक की एक बुलेट डाल दी थी और अगर मशीन में कोई भी मेटल की चीज लेकर जाई जाए तो वो ठीक से काम नहीं करती। इसी खराबी का फायदा डेमिन ने उठाया और अब वो गन लेकर चारों तरफ घूमने लग जाता है लिंडा और उसकी बेटी को ढूंढने के लिए। डेमिन प्रोफेसर के एक आदमी को पकड़कर लिंडा के लोकेशन के बारे में पूछता है और अब बंदूक की नोक पर होने के बाद उन लोगों को ये सारी चीजें बतानी ही पड़ी। वो सब डेमिन को लिंडा और उसकी बेटी की तरफ लेकर चले जाते हैं जो उसी लेबोरेटरी में छुपाए गए थे। उन्हें सही सलामत देखने के बाद डेमिन ने प्रोफेसर के सारे लोगों को मार दिया था। यहाँ प्रोफेसर जब गोली चलने की आवाज सुनता है तब उसे कुछ शक हो गया था। वो तुरंत ही चला आया ये पता करने के लिए कि आखिर यहाँ पर कौन सी गलत चीजें हो रही हैं। तभी प्रोफेसर ने अपनी मशीन के अंदर एक गन की बुलेट देखी, जिससे कि उसे पता चल गया कि शायद डेमिन ने उसे चकमा दे दिया है। वो तो मशीन के अंदर मेटल की चीज लेकर चला गया जिससे कि हमारी मशीन प्रॉपर काम नहीं की, और डेमिन ने तो शुरुआत में सिर्फ माइकल होने का नाटक किया था। वहीं दूसरी तरफ डेमिन ने प्रोफेसर के बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है और अब वो डायरेक्टली पहुंच गया था प्रोफेसर के पास। बट प्रोफेसर तो अभी भी बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर मौजूद था, जिसके अंदर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। प्रोफेसर अब डेमिन को कहने लगा था कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, अगर मैं तुम्हें वो टैबलेट नहीं दूंगा तो तुम वैसे ही मर जाओगे और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर मौजूद लिंडा के हस्बैंड की यादें बढ़ती जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी आत्मा मर जाएगी और लिंडा की हस्बैंड की यादें तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेंगी। यानी कि इन सारी चीजों में डेमिन की मौत पक्की है। बट डेमिन अब इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। उसे तो किसी भी हालत में प्रोफेसर और उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करना था, जिससे कि वो आगे चलकर किसी मासूम लोगों पर इस तरीके के खतरनाक एक्सपेरिमेंट ना करे। डेमिन अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहां पर पड़े हुए एक फ्लेम थ्रोअर को उठाता है और आग से ग्लास को छेदते हुए डायरेक्टली प्रोफेसर को जला देता है। प्रोफेसर तो पूरी तरीके से जलकर खत्म हो गया था। डेमिन लिंडा और उसकी बेटी को सही सलामत लेबोरेटरी से बाहर लेकर आ जाता है। डेमिन ने अब लिंडा और उसकी बेटी को सेफ रखने के लिए नाव की मदद से अपने खरीदी गए आइलैंड पर भेज दिया था। वहाँ लिंडा और उसकी बेटी के लिए सारी फैसिलिटीज मौजूद होती हैं, जहाँ दोनों ही अपने आगे की जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकते थे। सारी चीजें ठीक होने के बाद डेमिन अब अपनी बेटी से मिलने आता है और उसे एक लेटर देके कहता है कि ये आपके फादर ने दिया था। डेमिन की बेटी जब लेटर को पढ़ रही थी तब उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। शायद डेमिन ने लेटर के अंदर कई सारी ऐसी बातें लिखी थी जो उससे शेयर नहीं कर पाया था और अब वो वहाँ से निकल जाता है जो अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा खुश देख रहा था। डेमिन तो अब अपने आप को एक कमरे में बंद करके नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। उसने कई दिनों से एक भी टैबलेट नहीं खाया होता, जिससे कि डेमिन के अंदर जो भी यादें मौजूद थी वो धीरे धीरे मिटना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब डेमिन की यादें मिट जाएंगी और वो जिस बॉडी में है यानी कि लिंडा के हस्बैंड डेविड की यादें वापस आ जाएंगी। डेमिन ने इन सारी चीजों का एक वीडियो लॉग तैयार करके रखा था, जिसमें कि अगर डेविड अपने बॉडी में वापस आ जाए तब वो ये रिकॉर्डिंग को देखे, क्योंकि डेमिन ने ये डिसीजन लिया कि लिंडा को उसका हस्बैंड वापस मिलना चाहिए। डेमिन ने जितनी भी एक्स्ट्रा जिंदगी जी वो उसमें बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और अब कई महीने के बाद हमें दिखाया जा रहा था कि डेमिन अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लिंडा का हस्बैंड डेविड अपने बॉडी के अंदर वापस कंट्रोल पा लेता है, जैसे कि पास्ट का कुछ नहीं याद होता कि उसके साथ क्या हुआ था और डेमिन नाम का कोई आदमी भी उसके बॉडी में मौजूद होता है। जब डेविड ने वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखी तब उसे जाकर एहसास हुआ कि ऐसा भी हुआ था। और अब डेविड को जैसे ही अपनी वाइफ और बेटी की लोकेशन पता चली वो नाव पकड़कर उस आइलैंड पर आ जाता है। डेविड जब लिंडा से मिला तब वो बताता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड डेविड हूँ। ये सारी चीजें जानने के बाद लिंडा और उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यानी कि आखिरकार डेविड को अपना खोया हुआ परिवार मिल ही गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ डेमिन की कुर्बानी की वजह से। डेविड तो अब अपनी फैमिली के साथ उसी आइलैंड पर रहने
रहने का डिसीजन लेता है। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।